हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है, पासा स्टडी ग्रुप और हरियाणा कैंपस में मैं पंकज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गाइस, ईडीएम एंड फ्रेजेस का ये दूसरा लेक्चर होगा। इसमें कम से कम मैं आपको 30 के करीब ऊपर ही मैं आपको ईडीएम बताऊँगा। मैं आपको इनका ओरिजिन स्टोरी, कैसे ईडीएम बनी, कहाँ से ये ईडीएम आई, ईडीएम होते लोकते थे और मुहावरे ये कैसे बने, कहाँ से आए, क्या इनका ओरिजिन था, बिहाइंड द स्टोरी क्या था। आप कहीं से भी पढ़ लो, आपको टीचर्स मोस्टली रट्टा मरवाते हैं, लर्न बाई रोट। ऐसे नहीं होती ईडीएम से। आप पहले आपको पता होना चाहिए कि ईडीएम आई कहाँ से है, तभी आप कुछ कर पाओगे। आपकी दैनिक जीवन में, जिंदगी के अंदर ये कहाँ यूज होती हैं, तभी आप ईडीएम एंड फ्रेजेस कर पाओगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल का और सर के चैनल का लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर किया कीजिए और अपने व्यूज़ को शेयर कीजिए। मैंने पहले भी कहा है, अगर आप अपने विचार को साझा करोगे तो ही आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और ये मेरे लिए और आप दोनों के लिए जो कम्युनिकेशंस का गैप हो चुका है उसको बनाने में हेल्प करेगा। तो भाई शुरू करता हूँ मैं। ये जो पहली ईडीएम है इसका मतलब क्या होता है, पुल ए फास्ट वन। आपने कभी भी, जी हाँ, आपने कभी भी जादूगर का खेल देखा हो? जी हाँ, वो अपने पत्तों को कैसे, देखो कार्ड में अपने पत्तों को अपने हाथों से कैसे एक हाथ से दूसरे हाथ में ले जाता है। आपको लगता है कि वो जादू हो रहा है, लेकिन वो जादू नहीं हो रहा है। वो क्या करता है, पत्ते को एकदम खींच लेता है और दूसरे हाथ में दिखा देता है। क्या होता है वो, पुल ए फास्ट वन, मतलब अब वो आपकी क्या कर रहा है, सिर्फ वो आपकी आंखों का धोखा कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। सिर्फ वो ताश के पत्तों से क्या कर रहा है, आपकी आंखों का धोखा कर रहा है, जो आपको क्या लगता है, मैजिक लगता है, मैजिक लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा। वो सिर्फ क्या कर रहा है, पुल है फास्ट वन, मतलब वो बहुत तेजी से, हाथ की सफाई बोलते हैं उसको। फीजर, फीजर वंस ओन नेस्ट। फीजर क्या होते हैं, देखिए भैया, ये ईडीएम बेसिकली 16वीं शताब्दी के अंदर आया। जी हाँ, सही सुना आपने, 16वीं शताब्दी के अंदर ये ईडीएम आया। ये ईडीएम बनाया था, जो ईडीएम आया था एक पोएम से आया था। पोएम का नाम मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ईडीएम बना कैसे। एक राइटर होता है, सॉरी पोइट होता है, वो एक चिड़िया को देखता है जो घोंसला बना रही होती है। वो किसी के घर से कुछ सामान लाती है, किसी के घर से कुछ सामान लाती है, कोई इसको दाना डाल देता है, कोई इसको नहीं डालता, लेकिन वो किसी किसी के घर से जाके सामान लाती है और अपना घोंसला बनाती है। तो वहाँ से इस ईडीएम का ओरिजिन हुआ भाई। तो फीदर वन ओवन नेस्ट मतलब अपना घर भरना। जी हाँ, आपने सही सुना, अपना घर भरना किसी भी गलत तरीके से कमाए हुए धन के कारण। जी हाँ, जैसे चिड़िया है अपना घोंसला बनाती है तो वो तिनके कहीं और से लाती है, पंख कहीं और से लाती है, उनके खाना कहीं और से लाती है, वो अपने घोंसले में क्या करती है, जमा करती है उस सामान को। तो यहाँ से सीडीएम का ओरिजिन हुआ भाई। फीदर वन ओवन नेस्ट मतलब खुद का घर भरना, मतलब रिश्वत ले रहे हो आप या कोई गलत काम करके आप पैसा कमा रहे हो। उसके बाद भैया पुट अप द शटर्स। शटर्स क्या होते हैं भाई, शटर ये रहे, पुट अप द स्टोर होता है। जैसे आपकी कोई दुकान है और शाम को आपने जितनी कमाई करनी थी कर ली, और अब आपने क्या कर दिया, दुकान को बढ़ा दिया कल के लिए। जी हाँ, यानी कि इसका मतलब होता है टू क्लोज अ शॉप और बिजनेस, और देखिएगा, टू क्लोज अ शॉप और बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे। यानी कि दिन का उन्होंने जितनी कमाई करनी थी कर ली, अब उन्होंने क्या कर दिया, पुट अप द शटर्स, उसने क्या कर दिया, शटर्स को बंद कर दिया भैया। उसके बाद भैया बियॉन्ड द पहले, पहले क्या होती है, पहले ये होती है भैया। देखो पहले जब क्या होता था, ये ईडीएम आई ऑस्ट्रेलिया से। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जहाँ पे इंसानी सभ्यता होती थी, जहाँ पर इंसानी सभ्यता होती थी, यहाँ पर इंसान बसते थे, तो उनको जंगली जीवों का बड़ा डर रहता था कि जंगली जीव आ जाएं कहीं मार ना दे उन लोगों को, तो बाड़ लगा के रखते थे ऐसे ऐसे पहले। ठीक है, तो वो लोगों को हिदायत देते थे कि इस बाड़ से बाहर ना जाएं वरना आपको जंगली जीव खा लेंगे। तो यहाँ से इस ईडीएम, जो भी उसको पार करता था वो उनके लिए क्या होता था भैया, अनएक्सेप्टेबल होता था। वो एक्सेप्ट करते थे कि जो ये बाढ़ है इसको कोई क्रॉस ना करे, लेकिन बियॉन्ड द पहले जो भी इस बियॉन्ड होता है प्रे,
ठीक है, किसी चीज़ के परे होना। जो भी वो पेले को, जो भी पेले बाड़े को पार करता था, तो वो उनकी सोच से क्या होता था, अनएक्सेप्टेबल, जैसा उन्होंने सोचा था उससे क्या होता था, बाहर का होता था। ये सीडीएम का मेन है और ये इसका ओरिजिन है भाई। उसके बाद गाइस, इन द ब्लू, इन द ब्लू का मतलब होता है फीलिंग सेट। कैसे, आपने कभी ऐसा, भगवान ना करे ऐसा हुआ, कभी आपको उल्टी आए, तो आप देखना कि जो आपकी ये वेन होती है, गले की वेन, वो नीली हो जाती है और आपका पूरा का पूरा चेहरा नीला हो जाता है जब आपको उल्टी आने लग जाती है, हरा और नीला। तो यहाँ से सीडियम का ओरिजिन हुआ, इन द ब्लू मतलब जब क्या होती है, उल्टी आने वाली होती है। ये बेसिकली समुंदर से आई है, जब समुंदर में किसी को जाने की इच्छा नहीं होती थी, और समुंदर से कई बच्चों को या कई इंसानों को एलर्जी होती है, आज भी है भाई। अगर मैं खुद की बताऊं, मैं एक बार शिप में बैठा था तो मुझे खुद को उल्टी आने लग गई थी। तो वो ईडियम मेरे लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है। इन द ब्लू मतलब फीलिंग सैड होना, जो आपके गले की नसें हैं उल्टी डालते टाइम क्या हो जाती है, नीली हो जाती हैं भैया। यहाँ से सीडियम का ओरिजिन हुआ भैया। अ गोल्डन मीन होता है बीच का रास्ता निकालना। जी हाँ, बीच का कोई भी रास्ता निकालना। जैसे मान के चलो, ना तो आपकी जाए ना सामने वाले बंदे की जाए, और कोई रास्ता बीच का निकल कर आ जाए। उसके बाद गाइस, सेल इन द सेम बोट, इसका मतलब क्या होता है भाई, सेल इन द सेम बोट का मतलब होता है कि समान परिस्थिति के अंदर होना। ये इडियम बनी कैसे? जी हाँ, ये इडियम बनी जहाजों से। जहाजों से कैसे? पुराने टाइम पे जब स्टीम इंजन का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग ऐसे पतवारों के सहारे जाते थे। एक सेकंड गाइस, सेल इन द सेम बोट, इसका मतलब होता है भैया समान परिस्थिति के अंदर होना। पुराने टाइम पे जब जहाज वगैरह होते थे, वो सिर्फ पतवारों के सहारे चलते थे, और तब कोई जहाज डूबने वाला होता था तो वो एक दूसरे को इशारा करके बुलाते थे। जी हाँ, वो एक दूसरे को इशारा करके बुलाते थे, लेकिन वो इतनी जल्दी आ नहीं सकते थे, क्योंकि जहाँ की बहाव होता था हवा का, वहीं पर जो नाव होती थी वो चलकर चली जाती थी। तो जब भी वो उनको बचाने के लिए आते तो लेट हो चुका होता था, जहाज डूब गया होता था। तो जब भी वो उनको मदद के लिए पुकारते तो वो एक बात कहते, सेल इन द सेम बोट, सेल इन द सेम बोट। वो कहते कि मैं, हम तुम्हारी हेल्प कैसे करें, क्योंकि हम ही खुद ऐसी बोट पर हैं जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। सेल इन द सेम बोट का मतलब होता है कि आप एक समान परिस्थिति में हो, मतलब आप जैसा सामने वाला बंदा है वैसे ही आप परिस्थिति हो। मतलब मान के चलो, आप सामने वाला बंदा आपसे 500 रुपये मांगने आया, तो आप क्या क्या बोलोगे, भैया मैं कैसे दूँ, मैं खुद ही कंगाल हूँ। तो इसका मीनिंग बेसिकली यही है भाई। ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है भाई सातवें आसमान पे होना, मतलब एक्सट्रीमली आपको जब हैप्पीनेस मिलती है ना, तो हम क्या कहते हैं कि सातवें आसमान पे इसके मतलब खुशी। अब स्टेयर अप हॉर्नेस नेस्ट, मतलब क्या होता है भाई, हॉर्नेस होता है भैया छत्ता, स्टेयर अप होता है छेड़ना। जब आप मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ के देखो, आपको प्रसाद मिलेगा, वो प्रसाद नहीं किसी और टाइप का प्रसाद मिलेगा। तो मतलब जब आप स्टेयर अप हॉर्नेस टेस्ट, मतलब आप तब कुछ ऐसा काम कर दो जो आपके लिए ट्रबल खड़ी कर दे। जी हाँ, जो आपके लिए ट्रबल खड़ी कर दे, उसके लिए ईडियम बनी है स्टेयर अप ए हॉर्नेस नेस्ट। उसके बाद ही क्लोज शेव, आप इसको शेव से, शेविंग से याद रख सकते हैं। बेसिकली शेविंग ये वो शेविंग नहीं है, लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हो, जब आप शेव करते हो तो बड़े बाल बाल बचते हो, कहीं आपको ब्लेड जो रेजर है वो चीर ना दे। अक्लोज शेव का मतलब क्या होता है, बाल बाल बचना। उसके बाद भैया, ऑन द सेम पेज मतलब समान स्थिति में होना। जैसे आपको कोई टीचर बोल दे कि सभी स्टूडेंट 149 पेज पर आ जाओ, तो सभी स्टूडेंट होंगे वो क्या होंगे भैया, ऑन द सेम पेज होंगे। उसके बाद भैया, तो ऑन द सेम पेज का मतलब होता है कि जो समान परिस्थिति के अंदर होना, या फिर आप जो सोच रहे हो एक जैसा सोच रहे हो सब, ठीक है। उसके बाद भैया, द गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका मतलब होता है जो आप बोलने में चतुर हो, बोलने में वाकपटु हो,
मतलब बोलने की आप में कला है, जी हाँ, एबिलिटी टू स्पीक वेल, आपको बोलने में आप क्या हो, अच्छे हो, तो आपके लिए ईडियम है ये, द गिफ्ट ऑफ द गैप, प्लेन सेलिंग, ये काफ़ी अच्छी ईडियम है, इसका ओरिजिन काफ़ी अच्छा हुआ भाई, इसका भी ओरिजिन समुंदर से आया है। फिर से वही बात कि जब मैंने क्या कहा, स्टीम इंजन नहीं होते थे, भाप वाले इंजन नहीं होते थे, जहाज है उसको कौन चलाती थी, हवा चलाती थी, और जहाज जहाज को जब हवा चलाती थी वो बड़े स्मूथ तरीके से चलते थे, जी हाँ, प्लेन तरीके से सब आराम से चलते थे जहाज। तो वहाँ से इस ईडियम का ओरिजिन हुआ था भैया, प्लेन सेलिंग मतलब बिल्कुल स्मूथ और इजी तरीके से कोई काम का होना। अगला भी, डोंट नो बीन्स अबाउट समथिंग, बीन्स अबाउट समथिंग क्या भैया, इंग्लैंड के अंदर जैसे हमारे यहाँ पर मान के चलो दूध दही का खाना है, वैसे ही इंग्लैंड के अंदर 16वीं शताब्दी में बीन्स होते थे, और वो गरीब से गरीब तबके में पाए जाते थे, चाहे वो कितना भी गरीब हो उसके घर में बीन्स जरूर मिलते थे, जी हाँ, उनके घर में बीन्स जरूर मिलते थे। तो जो बीन्स के बारे में नहीं जानता इंग्लैंड के अंदर, उसको बोलते थे मिट्टी का माधव, यानी कि बहुत ज़्यादा मूर्ख है वो, जिसको बीन्स का भी नहीं पता, मतलब डोंट नो बीन्स अबाउट समथिंग, यानी कि जिसको बीन्स का भी नहीं पता इंग्लैंड में रह के, तो उसको किसी का नहीं पता। जैसे हमारे हम इंडिया में आके ताजमहल के बारे में का हमको नहीं पता, तो हम मिट्टी के माधव हैं, ठीक है, वहाँ ये इडियम आप यूज़ कर सकते हो, डोंट नो बीन्स अबाउट समथिंग। इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, आप याद रख सकते हो। उसके बाद भैया एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका काफ़ी अच्छा ओरिजिन है। इसका ओरिजिन क्या है भैया, इसका ओरिजिन बेसिकली आपने एक मूवी देखी होगी हॉलीवुड के अंदर, मेलिफिशेंट, एक राजा था, उसको कोई संतान नहीं होती थी, जी हाँ, एक राजा था, ये मिथ है भैया, मिथ होती है, पौराणिक कथाएं, एक राजा था, उसके यहाँ कोई संतान नहीं होती थी, तो राजा रानी ने प्रे की, एक परी से प्री, एक परी सी, एक परी को प्रे किया उन्होंने, और परी ने खुश होकर उनको वरदान दिया कि जाओ आपके यहाँ पे एक लड़की पैदा होगी। जो ही लड़की पैदा हुई तो राजा ने उसका नामकरण करवाया और सभी परियों को बुला लिया, सिर्फ एक बुरी परी को नहीं बुलाया जिसका नाम था मेलिफिशेंट। तो मेलिफिशेंट बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि सब परियां बुला ली, मेलिफिशेंट को नहीं बुलाया गया। तो मेलिफिशेंट आती है पार्टी के अंदर और एक सोने का सेब गिरा देती है उस पार्टी में, तो जितने भी लोग उस सेब को देखते हैं तो वो बोलते हैं कि ये मेरा सेब है, ये मेरा सेब है, ये मेरा सेब है। तो उसके कारण क्या हो जाता है भाई, लड़ाई शुरू हो जाती है, जी हाँ, लड़ाई शुरू हो जाती है, किन किन में, आपस में ही लोगों की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं कि ये मेरा सेब है, ये मेरा सेब है, ये मेरा सेब है। तो वहाँ से सीडियम का ओरिजिन हुआ भाई, जन्म हुआ, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि ए मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूट, मतलब झगड़े की कोई वस्तु का बनना, ठीक है। उसके बाद भैया स्टॉल द शो, स्टॉल द शो क्या होता है भैया, मतलब मैदान मार लेना, जीत लेना, जैसे नीरज चोपड़ा ने क्या कर दिया आज, स्टॉल द शो, पूरे इंडिया का क्या कर दिया, दिल जीत लिया। जब आप अच्छी परफॉर्मेंस करते हो तो ये इडियम तब होता है, स्टॉल, स्टॉल होता है चुराना, द शो मतलब आपने मैदान मार लिया, बहुत अच्छे से आपने विजय हासिल की है। अगली इडियम है भैया क्रॉस स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स क्या होती है भैया, आपने देखा हो तलवारें, ऐसे ये कोई तलवार है और ये कोई तलवार है, ऐसे आपने तलवार देखी होंगी ऐसे किसी के अंदर, तो ये तलवारें तब ऐसे रहती थी जब कहाँ पर कोई एग्रीमेंट होता था, जैसे आपने इंडियन आर्मी होगा, इंडियन आर्मी की जो आपने वो देखी होगी ये टैग जो ये कंधे पे लगती है, तो उस पर भी ऐसी मिलेगा आपको। तो इसका मतलब होता है बेसिकली कोई भी क्रॉस स्वॉर्ड्स होती हैं, स्वॉर्ड्स होती हैं तलवारें, इसका क्या मतलब होता है, तलवारें, तलवारें इसका मतलब क्या होता है, तलवारें यानी कि तलवारों का आपस में भिड़ा होना, मतलब कि आप क्या है भाई, आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, ठीक है, आर्ग्यूमेंट करने वाले हो विद समवन, यानी कि किसी के साथ आपकी क्या होने वाली है, बहस होने वाली है, ठीक है। उसके बाद भैया ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, खुद का ही बाजा बजाना, मतलब खुद की ही वाहवाही करना, ट्रम्पेट होता बाजा भाई, यानी कि खुद की ही क्या बजाना भैया, गुणगान करना। ए हार्ड टू नट टू क्रैक, नट होते हैं अखरोट, अखरोट को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है भैया,
तो इसको लेके ईडियम बनी, ए हार्ड नट टू क्रैक, मतलब जो नट होता है यानी कि अखरोट होता है उसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, ऐसे ही ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं। ठीक है, ए हार्ड टू नट टू क्रॉक, मतलब कोई भी चीज़ डिफिकल्ट होना, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर क्या होना, डिफिकल्ट होना। भैया ये बढ़िया भाई, कट योर कोट अकॉर्डिंग योर क्लॉथ्स, मतलब आप जीवन में जितनी चादर हो उतने ही पाँव पसारिए, इसका मतलब बेसिकली ये है, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ्स, मतलब आप जिंदगी में कहीं पर भी जाओ, जो आप वास्तविक हो आप वो बन के दिखाओ, प्रीटेंडियस मत बनो, दिखावटी मत बनो, घमंडी मत बनो, इगोस्टिक मत बनो, उससे आपका ही नुकसान होगा। सी इज़ द राइट आंसर, लिव विद इन योर मीन्स, मतलब आप जैसे हो आप वैसा रहो। एकिल्स हिल, एकिल हिल की काफ़ी अच्छी कहानी है। एकिल हिल क्या था भैया, एकिल्स नाम का एक इंसान था, एकिल नाम का एक इंसान था, ये आया ग्रीक माइथोलॉजी से, ग्रीक की कहानियों से ये ईडियम बनी। तो जैसे हमारे कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान जैसे क्या थे, कृष्ण भगवान अमर थे, लेकिन जो कृष्ण भगवान मरे थे तब, तो उनकी क्या हुआ था भाई, उनके जो तलवा था उन पे क्या लगा था भाई, तीर मारा था एक शिकारी ने, भाग शिकारी ने क्या मारा था, तीर मारा था, उनके कारण उनकी डेथ हुई थी, सिर्फ वही एक कमज़ोर पॉइंट था उनका। इसी प्रकार ग्रीक माइथोलॉजी में एकिल हुए भाई, एकिल का जब जन्म हुआ तो भविष्यवाणी हुई, एकिल का जब जन्म हुआ तो भविष्यवाणी ये हुई कि ये एक प्रतापी राजा बनेगा, और वहाँ पर एक नदी बहती थी भाई, बोलगा नाम की एक नदी बहती बहती थी, तो उसकी माँ को बोला कि देवताओं ने कि तुम इसको इस नदी में डुबो दो और निकाल लो, तो ये वज्र का बन जाएगा, उसको दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। अब वो जो कि उसकी माँ उसको अगर नदी में छोड़ देती तो नदी बहा के ले जाती उसको, तो उसकी माँ ने क्या किया, उसको पाँव से पकड़ के नदी में डुबो दिया, यानी कि क्या मतलब उसका क्या हो गया, पूरा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन लेकिन वो पाँव जो बाहर रह गया वो वज्र का नहीं हुआ। अब एकिल्स बड़ा होता है, एकिल दुराचारी बन जाता है, जी हाँ एकिल मतलब दुराचार करने लग जाता है कुछ टाइम के बाद, तो वो किसी के मारे नहीं मरता है एकिल, तो देवता ने बताया किसी इंसान को कि इसके पाँव में जाके आप तीर मारो, क्योंकि ये ऊपर से तो वज्र का है लेकिन जो इसका पाँव है, जो इसकी एकिल हील है यानी कि जो इसका तलवा है, वो क्या है, एक आम इंसान के जैसा, जैसे ही आप इसको वहाँ पर मारोगे एकिल्स की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। तो इंसान कहाँ जाता है, एकिल्स के पास जाता है, उसको तलवे में तीर मारता है और एकिल्स की मौत हो जाती है, वहाँ से इस इडियम का ओरिजिन हो गया। एकल हिल्स का मतलब होता है कि कोई भी एक कमज़ोर पॉइंट का होना, एकल हिल, क्योंकि हिल क्या होता है, तलवा, एडी, तो उसकी एडी में ही तो क्या थी, कमज़ोर था, वरना तो सब वज्र का था, वरना वो मरता ही नहीं। अगली ईडियम हम पढ़ते हैं, तो एकल हिल्स का मतलब क्या होता है, कोई भी एक वीकनेस पॉइंट का होना। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, इसका ईडियम का ओरिजिन हुआ विंस्टन चर्चिल ने किया था भाई, इससे पहले ये ईडियम थी, इससे पहले ये ईडियम थी भैया, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू जीता मित्र राष्ट्र ने, जर्मनी के दो विभाजन हो गए थे, नॉर्थ जर्मनी और सॉरी नॉर्थ जर्म जर्मनी और ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के अंदर क्या हुआ था, जर्मनी को डिवाइड कर लिया गया था। अब भैया इस युद्ध के अंदर इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा हानि हुई, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो इंग्लैंड की ऐसी खस्ता हालत हो गई थी ना, कि तभी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही लोगों अधिकतर देशों को क्या मिल गई, आज़ादी मिल गई, क्योंकि इंग्लैंड पे हिम्मत नहीं रही भाई, इंग्लैंड के पास हिम्मत नहीं रही और राज्य मतलब और राज्य करने की, जी हाँ और राज करने की हिम्मत नहीं रही इंग्लैंड के पास, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसी दुर्गति हो गई थी, हिटलर ने ऐसी की तैसी कर दी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो जैसे ही इंग्लैंड ने जीत तो लिया वर्ल्ड वॉर टू, अब भैया संसद में जवाब देना था विंस्टन चर्चिल को, विंस्टन चर्चिल को संसद में लाया गया, विंस्टन चर्चिल ने खड़ा होकर विंस्टन चर्चिल से सवाल पूछा गया कि वर्ल्ड वॉर टू हुआ क्यों, जर्मनी अंडर में था ब्रिटेन और फ्रांस के, तो आपने देखा क्यों नहीं कि हिटलर इतना बड़ा कांड कर गया। तब उनके पास कोई भी जवाब नहीं था, विंस्टन चर्चिल के पास पार्लियामेंट के सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। तब विंस्टन चर्चिल ने एक बात कही थी,
टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, मतलब अब जो बीत गया सो बीत गया, मतलब क्या हो गया इसका मतलब, अब मरे हुए घोड़े पर फ्लॉग होते हैं कोड़े, अब मरे हुए घोड़े पर क्या कोड़े मारना, मतलब जो बात बीत गई आप उसको छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पर इस idiom का ओरिजिन हुआ विंस्टन चर्चिल की वजह से। टू एनर्जी ऑन ए लॉस्ट कोज, मतलब आप फ्रूटलेस, मतलब आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, आउटपुट नहीं मिलेगी। डॉग डेज, डॉग डेज क्या होता है भैया, गर्मी वाले दिन। आप बोलोगे कुत्ता दिन, क्या कुत्ता दिन में भर बैठा रहता होगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है गधो मूर्खो, ऐसा कुछ ही नहीं है निकम्मो। देखो डॉग्स डेज का मतलब क्या होता है, डॉग डेज का मतलब जो आपने सप्तऋषि देखा होगा, तो क्या जब जुलाई और मई और जुलाई में क्या होता था, एक तारा बीच में आ जाता है उनके, कैनिस मेजर कहलाता है, जो कुत्ते की शक्ल जैसा होता है, और जो सप्तऋषि बोलते हैं जिनको, सप्तऋषि हमारे, तो उनके बीच में एक तारा आ जाता है। जब वो तारा आता था ना, तो जो पुराने टाइम पे लोग थे वो सोचते थे जो ये गर्मी हो रही है ना मई और जून के अंदर, वो उस तारे की रोशनी के कारण हो रही है, क्योंकि जैसे ही वो सप्तऋषि में वो तारा मई और जून में ही आता था, और उसी वक्त पे नेचुरल वे से क्या पड़ती थी, गर्मी पड़ती थी। उन लोगों का ये मानना था कि जैसे ये डॉग स्टार, मतलब जैसे डॉग की शेप वाले जो मतलब तारामंडल है, इसमें जो तारा आया है उसके कारण क्या हुई है भैया, उसके कारण क्या हुई है, ये जो गर्मी पड़ना शुरू हुई है। तो लोग उस टाइम पे इतने सजग नहीं थे, उनका ये मिथ था मानने का। तो यही कारण है इस idiom का ओरिजिन होता है डॉग्स डेज के नाम से, मतलब गर्मी वाले दिन। उसके बाद भैया होल्ड योर हॉर्सेस, मतलब क्या होता है कि आप अपनी ज़ुबान पर लगाम रखें। इसका बेसिकली ओरिजिन काफ़ी अच्छा है, इसका ओरिजिन हुआ इंग्लैंड से, जी हाँ इंग्लैंड से इसका जन्म हुआ idiom का। कैसे बनी भाई, जब राजा के सिपाही लड़ने के लिए युद्ध जाते थे, तो जो फार्मर्स होते थे खेतों में काम कर रहे होते थे, जब वो रोड से जाते सैनिक, तो उनको विशेष देते थे कि हमारे लिए आप लड़ने जा रहे हो, आप जीत के आओ, तो वो घोड़े में चल रहे होते थे, घोड़े से चल रहे होते थे, तो किसान उनको कहते थे होल्ड योर हॉर्सेस, आप अपने घोड़ों को रोको और हमारी वेल विशेस को सुनो। वहाँ से idiom का ओरिजिन होता है भैया, होल्ड योर हॉर्सेस मतलब टू बी पेशेंट, मतलब कोई चीज़ का धैर्य बनाए रखना। कोल्ड टर्की, कोल्ड टर्की होता है भैया कोई भी आप एक हैबिट आप में, जैसे सिगरेट पीने की कोई हैबिट है, बुरी सी हैबिट, अचानक आप उसको छोड़ दो। कोल्ड क्या है, टर्की क्या है, बल्कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ मैं बता देता हूँ। कोल्ड टर्की पुराने टाइम पे क्या होता था, जिसको ड्रग्स की आदत होती थी, नशे की आदत होती थी, जब उसका नशा छुड़वाया जाता था तो वो उसका चेहरा पीला पड़ जाता था, जी हाँ पीला पड़ जाता था, और उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी, बहुत ज़्यादा ठंड, क्योंकि कोई भी चीज़ आप छोड़ रहे हो तो शरीर उसका आदी हो चुका है, और फिर आप उसको छोड़ रहे हो तो शरीर रिएक्ट करेगा, जी हाँ ये नेचुरल है कि आप किसी चीज़ के आदी हो और फिर आप वो चीज़ छोड़ दो तो उससे क्या होगा, रिएक्ट करेगा शरीर। तो सेम इट इज़ वहाँ पे भी हो गया भाई, जैसे लोग बुरी आदतें छोड़ते थे तो उनको कोल्ड टर्की होना शुरू हो जाता था, जी हाँ कोल्ड टर्की होना शुरू हो जाता था, उनको ठंड आनी लगानी शुरू हो जाती थी, और लोग उनको देखते ही पहचान लेते थे कि उन्होंने क्या किया भाई, नशे की हालत को, जो नशे की आदत को उसने क्या करा है, छोड़ा है, इसलिए इसके साथ क्या हो रहा है, कोल्ड टर्की हो रहा है। तो वहाँ से idiom का ओरिजिन हो गया, और बेसिकली मतलब भी यही होता है कोल्ड टर्की का, कि टू स्टॉप ए हैबिट, बैड हैबिट, ठीक है। उसके बाद सबसे बस्त कहानी है भाई, दो idiom रह गई हैं, उसकी कहानी दोनों की सबसे ज़बरदस्त है, अल्बर्ट रोस अराउंड द नेक। इसका ओरिजिन होता है भैया, ये अल्बर्ट रोस एक पक्षी है जो ऑस्ट्रेलिया के अराउंड पाया जाता है, जी हाँ। ये कहानी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, सबसे ज़्यादा कहानी है ये, एक पोइट हुए भाई, जी हाँ एक पोएम थी सैमुअल टेलर की, इन्होंने लिख भी रखा, देखो ये रहा सैमुअल टेलर की एक पोएम थी, द राइम ऑफ द एनिशियंट मार्नियर, सॉरी मैरिनियर, द राइम ऑफ द एनिशियंट मैरिनियर। इसमें क्या होता है, एक जहाज होता है, इस कहानी के अंदर क्या होता है, एक जहाज होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, हाँ
यहाँ से मैं पढ़ना कहानी सुनाता शुरू करता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे कहानी को सुनना। अल्बर्ट रोस इन द नेक मतलब कैसे बनी। अल्बर्ट रोस क्या होता है, पक्षी होता है। ये कहानी शुरू होती है कि एक जहाज से, एक समुंदर से एक जहाज जा रहा होता है और जहाज है ना वो भूतिया इलाके में खड़ा हो जाता है। भूतिया इलाके से जा रहा होता है, भूतिया इलाका मतलब जहाँ पर भूत रहते हैं। तो एक नाविक तीर कमान लिए हुए एक अल्बर्ट रोस का जोड़ा उड़ रहा था आकाश में, वो उसको तीर मार देता है। एक नाविक जो कि नर अल्बर्ट रोस होता है वो मर जाता है और मादा अल्बर्ट रोस उसकी दुख में रोती रोती मर जाती है। और ये सब कुछ ऑब्जर्व कौन कर रहे थे, भूत ऑब्जर्व कर रहे थे। भूतों को उन पर दया आ जाती है अल्बर्ट रोस पर, और गुस्सा किस पर आता है, नाविक पर। अब भैया नाविक की ऐसे की तैसी करने वाले थे वो, उन्होंने उनके जो जहाज है उसको खड़ा कर लिया वहीं पे। जी हाँ आपने सही सुना, उनके जहाज को उन्होंने खड़ा कर लिया और वहाँ पर भूख मारी फैला दी, उनका पानी ख़त्म कर दिया, भूख से लोग मरने लगे। तब उनके कप्तान को एक बात का मतलब पता लगी और उनको एहसास हुआ कि जो ये अल्बर्ट रोस इस नाविक ने मारा है उसकी वजह से ये सब परेशान हो रहे हैं हम लोग, मतलब करे कोई भरे कोई। तो उन्होंने उसको दंड देने के लिए, भूतों को खुश करने के लिए, जो मरा हुआ अल्बर्ट रोस था उस नाविक को नाविक के गले में लटका दिया और बांध दिया कि देखो हमने इसको सजा दे दी है। तो वहाँ से इस इडियम का ओरिजिन हुआ भैया, अल्बर्ट रोस इन द नेक। मतलब कोई आप ज़िंदगी में ऐसी टेंशन ले लो, जी हाँ आप ज़िंदगी में कोई ऐसी टेंशन ले लो जिसके कोई मायने ही नहीं है आपकी लाइफ में, जैसे उस नाविक ने क्या ज़रूरत थी उड़ते हुए अल्बर्ट रोस को मार दिया और फिर सब ने उसका परिणाम भुगता। मतलब कोई काम ऐसा कर देना जिसकी लोड ही नहीं होती लेकिन फिर भी आप बेकाम में कर रहे हो, जैसे मान के चलो किसी बात की आप टेंशन उठा रखी है जो आपको नहीं उठानी चाहिए, जिसका कोई आपकी लाइफ से लेना ना देना। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी, ये इसका ओरिजिन था भैया। अगली है भाई पाई इन द स्काई। पाई इन द स्काई सबसे मार्मिक है, मार्मिक होता है सबसे सैड वाली स्टोरी है इसकी, ओरिजिन है। कैसे भैया इसका ओरिजिन आप सुनोगे ना आप रो पड़ोगे। जी हाँ इसका ओरिजिन जब आप सुनोगे तो आप रो पड़ोगे। ये कहानी है ऐसे युग की जहाँ पर इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था। जी हाँ आपने सही सुना, जहाँ पर इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था। ये कहानी है गुलाम की। जी हाँ गुलामों की, साउथ अफ्रीका से गुलाम लाए जाते थे। बेसिकली एक इंसान का हक होता है लिबर्टी से जीना, आज़ादी से जीना, उसका स्वभावक है, उसका हक है कि वो भी अपने सपने संजोए। लेकिन कहते हैं ना कि इन गोरों ने जितना घटियापन किया है इनसे बढ़कर किसी ने नहीं किया। मैं सिर्फ अपनी कहानी पे आता हूँ। तो जब इनको लाया जाता था, बेचारों को मारते थे, घसीटते थे, इनको कपड़े तक नहीं पहनने दिया जाता था। जी हाँ आपने सही सुना, कपड़े तक पहनने नहीं दिए जाते थे। तो इनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। देखो अफ्रीका महाद्वीप पिछड़ा क्यों आज के टाइम पे, क्योंकि इन्होंने इनको लूटा खसोटा गया है इनके द्वारा, यूरोपियंस के द्वारा। तो इनको जब लाते थे ना, जब ये लेके आते थे और इनकी भूख से मौत हो जाती थी काम करते करते, और इनको कोड़े पड़ते थे 16 गुलामी में, तो ये गाना गाते थे। ये गाना गाते थे पाई इन द स्काई। पाई होती है खाने की चीज़। ये कहते थे कि हमने यहाँ पे बहुत सारा काम किया है, हमको बेशक यहाँ पे खाना नहीं मिला लेकिन जब हम अल्लाह के घर जाएंगे, ये कोई इंसान भूखा है, कोई भूखा है वो कह रहा है कि हमने यहाँ पे काम किया, दिल लगा के काम किया और हमको खाना तक नहीं मिला, लेकिन जब हम उस अल्लाह के घर जाएंगे, जब हम भगवान के घर जाएंगे तो हमको वहाँ पर क्या मिलेगी, पाई मिलेगी खाने के लिए। वहाँ से इस ईडियम का ओरिजिन हुआ। पाई होता था उस वक्त पे बहुत अच्छा खाना होता था, तो पाई इन द स्काई। लेकिन देखो वो ऐसा सोचते थे कि ऐसा होगा, लेकिन इसका रियलिटी से कोई मीनिंग नहीं है भाई। जी हाँ रियलिटी में क्या, किस रियलिटी में उनको क्या पता कि ऊपर क्या होगा उनके साथ। लेकिन मन को कहते हैं ना कि मन को खुश रखने के लिए ये गाली भी, ये ख्याल अच्छा, तो मन को खुश रखने के लिए ये सब कह देते थे कि पाई इन द स्काई मतलब समथिंग साउंड ग्रेट बट लाइकली अनअटेंडेबल, अटेंडेबल मतलब जो सोचने में अच्छा हो लेकिन रियलिटी में बिल्कुल भी नहीं हो। एक कहानी थी भाई पाई इन द स्काई की, काफ़ी मार्मिक कहानी है, मैं बहुत कम बताई। स्लेवरी बहुत ही घटिया चीज़ थी, कभी इस अरसे में बोलूँगा कि आपको स्लेवरी के बारे में बताएं।
ये पाई इन द स्काई है भैया, राइज लाइक ए फिनिक्स. फिनिक्स होती है भैया एक पक्षी. जापान की जो माइथोलॉजी थी, जो जापान की पुरानी कथाएं थी, उसमें ऐसा माना जाता था कि जैसे ही कलयुग का अंत आएगा, ये जो फिनिक्स है ये जल जाएगा और फिर अपनी राख से क्या होगा, वापस से खड़ा होगा. मतलब मान के चलो आप ज़िंदगी के डाउनफॉल पे हो और फिर आप ज़िंदगी के उच्च स्तर पे चले जाओ. यानी कि कहते हैं ना कि ज़िंदगी एक लो लेवल होता है, तो उससे लो लेवल हो ही सकता है, फिर वो इंसान ऊपर जाना शुरू हो जाता है. तो राइज लाइक ए फिनिक्स, अगर वो और आप अच्छे से समझना चाहते हो तो ऐसे समझो कि जैसे कोविड के केस थे, कोविड के केस थे एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पीक पे गए, लेकिन कुछ टाइम बाद वो क्या होने लगे, कब होने लगे. मतलब टू राइज लाइक ए फिनिक्स, ऐसे आप याद रख सकते हो. अगला भैया अलिफ ब्रांच, ये सबसे अच्छी कहानी इसकी भी है, बहुत अच्छी कहानी है. ये कहानी है नोहा की. जी हाँ, नोहा की. ये कहानी किसकी है भैया? नोहा की, नोहा नाम के आदमी की. एक बार क्या हो गया, खुदा ने जब जन्नत बनाई, जन्नत के बाद ये दुनिया बनाई खुदा ने, इस कहानी की जिक्र कर रहा हूँ मैं जहाँ से ईडियम आई. तो खुदा ने जब ये जन्नत बनाई, तो खुदा ने जब नीचे देखा तो लोग आपस को ही काट रहे थे. खुदा का मन बड़ा दुखी हुआ. खुदा ने एक फरमान जारी किया फरिश्तों के द्वारा, जी फरिश्ते होते हैं खुदा के, तो उन्होंने कहा कि इस दुनिया का नाश कर दो, ख़त्म कर दो इस दुनिया को, प्रलय ले आओ. तो फरिश्तों ने कहा कि एक अच्छा इंसान रहता है धरती के अंदर. उसने कहा कौन रहता है? उसने कहा नोहा. ये रहा नोहा, ये नोहा. तो एक दिन क्या हुआ, नोहा सो रहा था, नोहा के सपने में देवदूत आए, जो फरिश्ते आए, उन्होंने कहा कि अल्लाह है जो तो सब दुनिया वालों से नाराज़ है और 21 दिन के बाद एक ऐसी प्रलय आएगी कि मानव जाति ख़त्म हो जाएगी, तुम जिसको चाहो बचा सकते हो. तो नोहा ने एक बड़ा सा शिप तैयार किया, बड़ा सा जहाज़ तैयार किया, उसमें उसने जीव जंतुओं को और कुछ इंसानों को, अच्छे इंसानों को बैठा लिया. जैसे ही 21 दिन के बाद प्रलय आई तो नोहा बच गया, नोहा बच गया भाई इस प्रलय के अंदर. तो नोहा ने 21 दिन के बाद एक कबूतर को अपने हाथ पे, देखो ये कबूतर रहा, कबूतर को अपने हाथ पे बिठाया और नोहा ने कहा जा देख क्या कि भगवान का गुस्सा शांत हुआ या नहीं. तो ये कबूतर जाता है, कबूतर जाता है और ये जो ओलिव है, आगे भी होगा नहीं लगा शायद मैंने, जो ओलिव एक क्या होती है, ये राजो ने मुंह में पकड़ रखी है. ओलिव होता है एक तरीके का पौधा होता है, वो पौधे की एक ये चोच क्या कहते हैं पत्तियाँ लेके आता है, पत्ती लेके आता है. तो उससे नोहा अंदाज़ा लगा लेता है कि भगवान का गुस्सा शांत हो चुका है, मतलब कहीं ना कहीं तो ये पेड़ उगा होगा तो ज़मीन होगी, ज़मीन होगी तो प्रलय रुक चुकी है. तो वहाँ से इस ईडियम का ओरिजिन हुआ, नोहा के इस कहानी से. ओलिव ब्रांच मतलब शांति पूर्वक कोई चीज़ का हो जाना. ठीक है, आई होप आप लोगों को ये ईडियम एंड फ्रेजेस का दूसरा लेक्चर्स है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा. गाइस प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको ये लेक्चर्स कैसा लगा. चैनल को, दोनों चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब. प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन. बाय बाय गाइस, घर पर रहिए, सेफ रहिए. कल मिलते हैं इसी वीडियो के साथ. बाय गाइस, जय हिंद, जय भारत.